हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 20th of August और परसों के दिन आ रहे गणपति जी। तो हमारे यहाँ पे एक मिनट, शायद हस्बैंड बाहर से आए। तो हस्बैंड सुबह सुबह पेट्रोल भरने के लिए गए थे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है इसकी वजह से मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। कोरोना की वजह से वो फोर व्हीलर का यूज़ कर रहे हैं ना, तो टू व्हीलर में पेट्रोल ही नहीं था, थोड़ा सा ही था। और आज हमें थोड़ी सी खरीदारी करने जाना है, हम जहाँ पे रहते हैं उसी एरिया में, बहुत दूर कहीं नहीं जाना। और पुणे में जो खरीदारी करनी थी गणपति जी के डेकोरेशन के लिए, तो वो कल हस्बैंड पुणे से लेके आए। तो अभी हमारे एरिया में जो छोटा मोटा कलर्स वगैरह ये सामान है वो लाने के लिए जाना है। तो मैंने आज व्लॉग बनाने का सोचा, व्लॉग बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि जैसे कि मेरी मम्मी घर पर आई है, तो मुझे तीसरे किसी मतलब मेंबर की ज़्यादातर आदत नहीं है घर में। तो थोड़ा सा रूटीन वगैरह ये सब चीज़ें, और मेरी मम्मी इतनी फैमिलियर नहीं है इन सब चीज़ों से, तो मुझे खुद को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँ। क्योंकि वीडियो बनाना है तो पूरे घर में घूमना पड़ता है और आवाज़ भी आती है, तो मैं खुद थोड़ा सा शाय मतलब हो जाती हूँ कि कैसे बात करूँ क्या। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, चलो व्लॉग बनाते। तो गणपति जी का जो डेकोरेशन, ये हम मखर बनाने वाले घर में बना लिया है हमने। मैं दिखाती हूँ, ये सब पड़ा हुआ जो है, ये मंदिर कल ने पूरा तोड़ दिया। ये ऑलरेडी बना के रखा है, सिर्फ उसको जॉइंट करना है और कलर वगैरह करके लेस का काम करना है। तो जब मैं पूरा ये क्लीन करूँगी, देखिए पूरा फैला हुआ है, सब घर फैला हुआ है। तो जैसे ही मैं वो लगाऊंगी ना, तो आपको दिखाऊंगी। तो उसी को कलर करना है और फिर हम उसको स्टिक करेंगे फेविकॉल की हेल्प से। तो मखर जैसा मतलब मंदिर के जैसा बनाएंगे पूरा। तो वो कटिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, और भी कुछ थोड़ा सा थीम सोची है हमने। तो वो वहाँ पे टेबल वगैरह लग गया है, वो जो येलो दिख रहा है वो सब डेकोरेशन का ही सामान है। तो और मैंने क्लीनिंग कर ली है, चार पाँच दिन लग गए मैंने पूरा घर क्लीन किया, सिर्फ ये बेडरूम छोड़ के, बाकी वो दूसरा बेडरूम किचन सब कुछ क्लीन हो गया है। तो गणपति जी की ज़ोर शोर से तैयारी चल रही हम लोगों की। और आज का मेनू बता दूँ, आज खाने में मतलब नाश्ते में मैं बनाऊँगी डोसे बटाटे की मतलब पटाटे को चटनी, और अपनी जो नॉर्मल दही वाली जो चटनी बनती है वो चटनी बनाऊंगी। तो आज थर्सडे, तो हस्बैंड को भी छुट्टी है, वो घर पर ही है। तो ऐसे ही चल रहा है सुबह से काम, मैंने नहा लिया है, तो बाकी इन सबका नहाना वगैरह सब कुछ बाकी। और कल देखे उसी गड़बड़ अभी बहुत बढ़ गई है कोरोना की, मतलब जब से वो घर पर है तब से वो बहुत शैतान हो गया, नहीं तो पहले बहुत शांत था। तो चलिए, पूरा काम भी बाकी है, सब कुछ बात की है, चाय पी के हो गई है। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, और आपको ये सब कुछ दिखाती हूँ कैसे बनाया है, क्या किया है वो सब। बजे निकल गए थे, अभी हस्बैंड और कल के नहाने का काम चल रहा है, और आते वक्त थोड़ा सा नाश्ता लेके आए थे काटने के लिए, क्योंकि 11:15 बजे हम रिटर्न आए, 1.25 घंटा लगा। तो गणपति डेकोरेशन का सामान लिया, कलर वगैरह करना है, वो जो आपको कटिंग दिखाई ना उसको कलर करना है, वो सब कलर लेस वगैरह ये सब लेके आए, और थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान। गणपति मूर्ति देखने के लिए बहुत टाइम लग गया, क्योंकि पंडाल है अलग अलग ना, तो 7-8 जगह पर हम गए देखने के लिए। तो इस बार कैसे हम शाडू के माटी की मतलब प्रॉपर मिट्टी की मूर्ति लाने वाले हैं, तो इस वजह से इसमें फिर ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं होती, क्योंकि जिसमें मिट्टी की जो बनती है उसमें ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती, तो उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो आने के बाद मैंने देखे फटाफट दोनों दूध के पैकेट वैसे ही रखे गए थे, वो दूध गर्म करने के लिए रख दिया, और अभी ये चटनी बना रही हूँ। और चटनी होने के बाद फिर
दूसरी वाली चटनी और डोसे हो गया। अभी लंच में हम यही खाएंगे क्योंकि नाश्ते के लिए तो वो जो लेके आए थे ज़्यादा कुछ नहीं, वड़ा पाव लाए थे तो वो तो नाश्ता हो गया। 12:30 बज जाएंगे। आज कैमरे की सेटिंग का पता नहीं, थोड़ा सा अलग दिख रहा है फेस, बहुत दिनों के बाद ओपन किया है शायद इस वजह से होगा। और मुझे पार्लर भी जाना है आज, वो भी काम है। आने के बाद मैंने वो मशीन, वॉशिंग मशीन क्लीन करने का जो पाउडर आता है वो लेके आई थी, तो मशीन लगा दी है क्लीन करने के लिए, उसको 2 घंटे लगेंगे। तो उसके बाद घर के कपड़े मुझे धोने पड़ेंगे। बस ऐसे ही चल रहा है। और सबसे मेन काम है डेकोरेशन का, तो आज हमने सोचा है कि पूरा टेबल के ऊपर डेकोरेशन चला जाएगा ताकि परसों फिर ज़्यादा काम नहीं रहेगा कल के दिन, तो बाकी का अगर कुछ करना है तो वो कल कर सकते हैं। और हम सोच रहे कि अगले साल हम घर पे ही मूर्ति बनाएंगे, मिट्टी लेकर आएंगे, और ऑनलाइन भी आजकल मिट्टी मिलने लगी है तो वो मिट्टी लाएंगे और छोटी सी मूर्ति घर पे ही बनाएंगे। तो ये इस साल डिसाइड किया, तो अगले साल वो करने वाले हैं। और आप लोग कैसे चल रही है गणपति की तैयारी? शायद सब लोग उसी में बिजी होंगे अभी। हम लोग डेकोरेशन पूरा घर में करते हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब प्रॉपर पूरा का पूरा। जो लास्ट टाइम भी हमने हिमालय पर्वत बनाया था, उसका वीडियो तो छोटा सा है, तो वो वीडियो या फिर फोटोज में इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगी तो आप देखिएगा। लास्ट टाइम मैंने जब गणपति जी आए थे उसके बाद मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाना स्टार्ट किया, तो उसका जो है थोड़ा सा क्लिप मेरे पास, तो वो मैं अटैच कर दूँगी। तो देखिएगा लास्ट टाइम हिमालय पर्वत बनाया था पूरा कॉटन का यूज़ करके। तो ये इस तरह से मैंने बैटर बना लिया है, बैटर रात को ही बना के रखा था, तो ये इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो इसमें थोड़ा नमक ऐड किया है मैंने अभी, और थोड़ा सा इनो, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम चुटकी भर इनो को ऐड किया है। और अभी किसी को भी भूख नहीं है तो सिर्फ कल्प के लिए बना रही हूँ क्योंकि कल्प ने नाश्ता नहीं किया। कलर्स वगैरह कल्प ने भी थोड़ा सा उसका काम किया, यहाँ पे भी आपको टुकड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे उसका। तो और मैं अभी ये जो स्टार्स बनाए हमने, ये इस तरह से स्टार और मून बनाया है, और ऐसे गोल भी बनाए जैसे कि प्लैनेट्स अलग अलग, तो उसको कलर करना है। लेकिन इसको मैं अभी कलर नहीं करूँगी, ये फेविकॉल जो है वो लगाऊँगी, और उसके बाद ये सिल्वर पाउडर लाए ना हम, ये सिर्फ उसके ऊपर ऐसे डालूँगी तो जितना चिपकेगा उतना। तो इस तरह से अभी मैं अपना काम करूँगी, वो अपना कलर का काम कर रहे। इसकी सेकेंड साइड भी करनी है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा सूखने देती हूँ और फिर उसकी सेकेंड साइड करूँगी। वैसे भी हम इसको वॉल पे हैंग करने वाले, तो दूसरी बाजू दिखने वाली नहीं है, तो देखूँगी या फिर ये जो साइड की ये है ना बॉर्डर, उसको सेफ कर दूँगी। और इनका भी ये वो सब कलर करके हो गया, एक ही मतलब ब्रश किया है, अभी एक और करना बाकी है। और अभी ये जो साइड के है इसको कलर करेंगे। तो ये इस तरह से कलर का काम पूरा हुआ है हमारा। ये 2 बार मैंने जो बोला था 2 बार कलर करेंगे, तो वैसे 2 बार कलर किया है, ये लगाया नहीं है, बस ऐसे ही रखा है। और इसको भी अभी चिपकाया नहीं हमने, ये रखा है, उसको अभी चिपकाने का काम भी बाकी है। और ये लेस लेके आए हम ये इस तरह से, तो ये लेस अभी हम यहाँ पर लगाएंगे। और ये आज तो लेके आए, और कल भी हस्बैंड लेस लेके आए थे तो वो भी है, तो वो दोनों लेस अभी देखते हैं किस तरह से लगानी है, वो दोनों लेसेस लगाएंगे। और ये इस तरह के जो फूल है
गिर गया। ये हम 2 डज़न लेके आए ये फूल, और ये भी ये इस तरह से वगैरह ऐसे हम करके इस पे चिपका देंगे, चिपकाने वाले फूल है। या फिर इसको हम ऐसे वो पिन आती है ना एक, वो जिससे हम पेपर वगैरह अटैच करते हैं, तो वाली पिन से भी, क्योंकि ये कार्डबोर्ड है तो वो वाली पिन से भी हम अटैच कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये ऐसे रख के, ऐसे लगाया तो भी। और फिर हम अभी इसको चिपका भी देंगे, आज ये काम पूरा कर देना है। तो ये इस तरह से कुछ नहीं, कार्डबोर्ड लाए थे हस्बैंड अपने ऑफिस से, उनके सामान पैक करने के लिए बॉक्सेस की ज़रूरत होती है तो वो बॉक्सेस लेके आए थे, तो उसको कार्डबोर्ड से मतलब ये पूरा इसका मेजरमेंट लेके हमने कटिंग किया है नॉर्मल सा कटर यूज़ करके, और इस तरह का शेप दिया है। अभी ये पूरा लेस वगैरह लगाते वक्त मैं आपको दिखाती हूँ। का हमारा काम हो गया है, ये एक्चुअल में बहुत सुंदर दिख रहा है। और ये कलर जो आपको रेड दिख रहा है ना, वो रेड नहीं है, रियल में पिंक कलर है। और ये लेस हमने से स्टेप वाइज वहाँ पे लगाई है, ये बाकी का काम चल रहा है, एक एक करके लगा रहे हैं। ये इस तरह से ऑलमोस्ट रेडी है, ये देखिए अभी लाइट में लगाने का काम चल रहा है। उसका ही समझ में नहीं आ रहा है कैसे लगाए, वही कन्फ्यूजन है। दूसरी तीसरी बार निकाल के फिर वापस लगा रहे। मैं एक बार लाइट बंद करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से लगेगा। पर वो जो स्टार हमने लगाया ना, उसका थोड़ा सा ये नहीं हो रहा है, यूज़ नहीं हो रहा है अच्छी तरह से। बाकी ये अच्छे से बन गया है सब कुछ। पसंद आ रहा है।